हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। क्लास सिक्स आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर फोर इंटीजर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इंटीजर्स के बारे में और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4A सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1, और ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो 0 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो हमने क्या इसके लिए एक सेट बनाया होल नंबर्स का, जिसमें 0 भी इंक्लूड किया गया, और ये कलेक्शन कहलाया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होगा? ये नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... इनफाइनाइट तक रहेंगे, साथ में 0 भी आ जाएगा। तो 0 और नेचुरल नंबर मिला के जो सेट बनता है वो होल नंबर्स का कहलाता है। तो ये कलेक्शन होल नंबर्स का है। अब एक एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का ही। 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा? 1। हम सभी जानते हैं 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। क्या हो जब 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए? 4 माइनस 5 क्या होगा? तो इनका डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस अभी भी 1 है, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? 4 में 5 को। तो 5 में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 1 लिख रहे हैं, 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या 1 लिखेंगे? नहीं, उसकी जगह हम डिफरेंस 1 और नेगेटिव साइन यानी माइनस साइन के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंस जो आएगा उसके सामने हमें माइनस मार्क या माइनस साइन लगाना पड़ता है। इस तरह से हम पता कर पाते हैं कि किस में किसका सब्ट्रैक्ट है। जब ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस में वैल्यू आती है, जब स्मॉलर में ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम करस्पॉन्डिंग डिफरेंस को माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर्स में, 1 की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा अपोजिट जो होगा वो -1 होगा, 2 के अपोजिट जो नंबर होगा -2 होगा। तो जो भी नंबर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके करस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स लिखे विथ माइनस साइन। और अब जो कलेक्शन हमने बनाया जिसमें पॉजिटिव नंबर भी थे, 0 भी था और नेगेटिव नंबर भी थे, ये कहलाया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होगा? होल नंबर सभी रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... इसको एक्सटेंड किया और जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं एक्सेप्ट 0, हमने सभी के करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखे बट विथ माइनस साइन। -1, 2 के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखा -2, 3 के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखा -3 एंड सो ऑन। अब ये जो माइनस साइन के साथ नंबर हैं इन्हें हमने कहा निगेटिव इंटीजर्स। 0 के राइट साइड में जो ये नेचुरल नंबर थे इन्हें हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स। जो सेट बना इंटीजर्स उसमें ये नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए। और याद रखना है ये 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो 0 को 0 ही लिखेंगे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जो भी पॉजिटिव नंबर थे उनके करस्पॉन्डिंग नंबर विथ माइनस साइन के साथ जो नंबर मिले वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाए। अब आइए देखते हैं इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। अब ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, तो इसके राइट साइड में +1 लिखा जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ठीक इतने डिस्टेंस पर जो वैल्यू होगी ये -1 होगी। तो 0 के ठीक दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे एक तरफ प्लस के साथ वही वैल्यू होगी, दूसरी तरफ माइनस के साथ ही वैल्यू होगी। इसे अगर हम नंबर लाइन मान लें और ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 1 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच, इस यूनिट को हम किलोमीटर में नापें या मेजर करें तो ये 1 किलोमीटर है सपोज, ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो ठीक इसके अपोजिट साइड में 0 के लेफ्ट में करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? उतने ही डिस्टेंस पर लेफ्ट पे यहाँ पर -2 होगा और ऐसे ही उतने डिस्टेंस पे -3 एंड सो ऑन।
सपोज जीरो पे कोई बॉय है, स्टैंड है यहाँ पर, अब ये मूव करता है, ये डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगर हम कहें कि एक बॉय है जो अपनी जो पोजीशन है उससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें ये बताना होगा किस डायरेक्शन में गया, वो ईस्ट में गया या वेस्ट में गया। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ से बॉय अगर ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जाता है तो हमें बताना पड़ेगा गोइंग 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, या वेस्ट की तरफ जाता है तो गोइंग 2 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब अगर हम ईस्ट वेस्ट ना लिखना चाहें तो इंटीजर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, अगर ईस्ट की तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, इसे 2 किलोमीटर लिखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2 किलोमीटर। तो सिर्फ माइनस लगा देने से ही पता चल जाएगा कि ठीक इसका अपोजिट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ईस्ट या वेस्ट ना लिख के हम 2 किलोमीटर या -2 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमें अपोजिट बता देगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है। दुनिया में जो भी हाइट्स मेजर की जाती हैं सी लेवल पे मेजर की जाती हैं, किसी भी शहर, किसी भी माउंटेन, जो भी हम लेवल नापते हैं, मेजर करते हैं, वो सी लेवल पे नापते हैं, मेजर करते हैं। तो देखिए, सपोज कोई पॉइंट ए है सी लेवल से 5 किलोमीटर ऊपर है, और बी कोई पॉइंट है जो सी लेवल से कितने डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 5 किलोमीटर ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ अबव और बिलो का यूज किया गया, जो कि दोनों अपोजिट हैं। अब हम इंटीजर का यूज करके भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहाँ पर हम 5 किलोमीटर अबव सी लेवल को हम लिख सकते हैं +5 किलोमीटर। जनरली क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्लस को नहीं भी अगर हम प्लस साइन लगाते तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही माना जाता है, हाँ निगेटिव इंटीजर के लिए मैंडेटरी है। तो देखिए 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो अबव की अपोजिट है बिलो, तो यहाँ +5 किलोमीटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है तो इसे हम -5 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ए और बी दोनों क्या हैं, जो मीन पोजीशन के अपोजिट साइड में हैं, इधर साइड पे हैं। तो इस तरह से भी डेली लाइफ में हम इंटीजर्स का यूज करके ये स्टेटमेंट्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं नंबर के फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर मीन्स अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर। कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसका अपोजिट हम लॉस लिख सकते हैं। ऐसे ही कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है तो उसका हम विड्रॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं जीरो। अब इसके राइट साइड में किसी एक डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं वन। तो जीरो से जो वन का डिस्टेंस है ठीक इसके अपोजिट उतना ही डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कहलाता है -1। ये नंबर लाइन है जिसमें हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया है। अब जीरो और वन के बीच जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वन और नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं, इसे टू लिखते हैं, और इस टू के करस्पॉन्डिंग जीरो से अपोजिट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा -2। इस तरह से नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन में एक पॉइंट के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी में रिप्रेजेंट एवरी इंटीजर बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। थ्री कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर। तो किसी भी इंटीजर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कन्वेंशन ये है कि जो नंबर लेफ्ट में आता है वो स्मॉलर होता है, जो नंबर राइट में आता है वो ग्रेटर होता है। तो देखिए यहाँ पर जीरो और वन में कौन सा ग्रेटर है, वन इज ग्रेटर, वन और टू में टू इज ग्रेटर, जो राइट में है वो हमेशा ग्रेटर होगा। ऐसे -1 और जीरो में विच इज ग्रेटर, तो जीरो राइट में तो जीरो इज ग्रेटर। अब यहाँ -2 एंड -1 की बात करें, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो राइट में कौन सा है, नंबर लाइन में हम देख रहे हैं -1 इज राइट साइड टू द -2, तो -1 इज ग्रेटर होगा, -2 स्मॉलर होगा,
तो याद रखना है जो भी नंबर लाइन पे नंबर राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर से ग्रेटर होता है। इस तरह से बात करें हम जीरो की, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सबसे जीरो क्या है, लेफ्ट में है। चाहे वन की बात करें, टू की बात करें, थ्री की बात करें, जीरो हमेशा इनके लेफ्ट में है। इसलिए जीरो क्या होगा, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यहां लिखा हुआ जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं उनके राइट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में आते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में आते हैं। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, ये भी आपको याद रखना है। और जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका, जो नंबर जितना बड़ा है उसका अपोजिट उतना ही छोटा होगा। 5 और 4 की बात करें तो 5 ग्रेटर है, लेकिन इनके अपोजिट की बात करें, -5 और -4 की बात करें, तो यहां पर -5 और -4 की बात करें तो कौन सा ग्रेटर होगा, -4। ये भी याद रखना है आपको। अब आइए जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो नंबर होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट या रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। जैसे यहाँ -5 लिखा है तो आप इसका साइन हटा दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे नोट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में उस नंबर को लिखा जाता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो इसकी इसमें न्यूमेरिकल नंबर क्या है, 5। आप इसके साइन को हटा दीजिए तो ये क्या हुआ, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। सपोज ये 5 बस लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई साइन है या नहीं है। अब यहाँ पर 5 है या +5 मान लें, +5 लिखना चाहें तो +5 लिखें, अदरवाइज 5 लिखा है तो ये 5 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगी, 5। आप इसमें विदाउट साइन के वही नंबर लिख देंगे तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, निगेटिव कभी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4A। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4A। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके बेस्ड पे ही एक्सरसाइज 4A है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं उनका अपोजिट लिखना है। फर्स्ट में दिया है एन इंक्रीज ऑफ 8। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज, तो हम लिखेंगे ए डिक्रीज ऑफ 8। सेकेंड में दिया हुआ है अ लॉस ऑफ ₹7, ₹7 का नुकसान, लॉस, तो क्या होगा, हम कहेंगे ₹7 का फायदा या गेन, तो ए गेन ऑफ ₹7। थर्ड में दिया है गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, 5 kg का वेट बढ़ाना, तो इसको लूज करना कहेंगे, तो हम क्या होगा, गेनिंग का अपोजिट होता है लूज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। ऐसे फोर्थ में दिया हुआ है 10 किलोमीटर एबव सी लेवल से 10 किलोमीटर एबव, तो हम क्या लिखेंगे अपोजिट में, बिलो कर देंगे, 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। फिफ्थ में दिया है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो बिलो का अपोजिट क्या होगा, एबव, तो हम लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। सिक्स में दिया हुआ है अ डिपॉजिट ऑफ ₹100 जमा होना, तो डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, विड्रॉवल होता है, मतलब पैसे निकालना, तो ए विड्रॉवल ऑफ ₹100। सेवंथ में दिया है अर्निंग ₹500, अर्निंग का अपोजिट होता है स्पेंड करना, तो स्पेंडिंग ₹500। एट्थ में लिखा हुआ है गोइंग 6 meters टू द ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो हम लिखेंगे गोइंग 6 meters टू द वेस्ट, ईस्ट की जगह हम अपोजिट के लिए क्या लिख देंगे, वेस्ट। नाइन्थ में लिखा है 24, यानी प्लस का 24 है, किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं, यानी प्लस का नंबर है वो,
तो इसे इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। तो प्लस फोर 24 की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 24। और टेंथ में दिया है लास्ट में माइनस 34, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस 34। तो अगर हम किसी नंबर के सामने प्लस नहीं भी लिखते तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, तो ये प्लस 34 ही लिखा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ जो वैल्यू दी है उसे प्लस या माइनस साइन के साथ इंडिकेट करना है। तो फर्स्ट दिया है ए गेन ऑफ रुपये 600, तो गेन को हम प्लस मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस रुपये 600। सेकेंड में ए लॉस ऑफ रुपये 800, तो गेन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो लॉस क्या होगा, माइनस साइन के साथ, तो हम लिखेंगे माइनस रुपये 800। थर्ड में दिया है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो एबव को प्लस मानते हैं, तो बिलो को हम माइनस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ में है डिक्रीज ऑफ 9, तो इंक्रीज को प्लस मानते हैं, डिक्रीज को माइनस, तो माइनस 9। फिफ्थ में दिया हुआ है 2 किलोमीटर एबव सी लेवल, तो एबव को पॉजिटिव, बिलो को निगेटिव, तो 2 किलोमीटर एबव सी लेवल को क्या लिखेंगे, प्लस 2 किलोमीटर। सिक्स में दिया हुआ है 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, तो बिलो मतलब माइनस में, एबव को प्लस में लिखते हैं तो बिलो को माइनस में, तो 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल को हम लिखेंगे माइनस 3 किलोमीटर। ए डिपॉजिट ऑफ रुपये 200, तो डिपॉजिट को हम प्लस ले लेते हैं, प्लस रुपये 200। सिक्स में दिया हुआ है, एट्थ में दिया हुआ है ए विड्रॉल ऑफ रुपये 300, तो डिपॉजिट का हमने प्लस लिखा है, तो विड्रॉल का माइनस के साथ होगा, तो माइनस रुपये 300। माइनस रुपये 300। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनानी है, उसमें गिवन इंटीजर्स को मार्क करना है। फर्स्ट में दिया -5, तो आइए -5 को मार्क करते हैं नंबर लाइन पर। तो -5 जीरो के लेफ्ट साइड होगा, तो जीरो कहीं पे भी बना लेते हैं। सपोज हमने जीरो यहाँ पे बना लिया है, नंबर लाइन है तो दोनों तरफ एरो बनाने होंगे। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर इसको -1 करते हैं, जो गैप यहाँ पे लिया है उतना ही गैप यहाँ पे लेते हुए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये -2 होगा, ये -3 होगा, यहाँ पर -4 और यहाँ पर -5। और राइट साइड में क्या होते हैं, प्लस की वैल्यू होती है +1 और 2, तो हमें -5 को मार्क करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको यहाँ पर सर्कल बना देना है ये, तो ये हो गया आपका -5। ये आपने नंबर लाइन पे -5 को मार्क कर लिया है, ऐसे ही बाकी को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड में दिया है -2, तो कहीं पे भी जीरो ले लीजिए, इसके राइट में 1, हमें नेगेटिव तरफ ज़्यादा जाना है, इसलिए लेफ्ट साइड का हमने पोर्शन खाली रखा हुआ है, बड़ा रखा हुआ है। अब देखिए -1 -2, ये -3, ये नंबर लाइन हो गई। अब हमें क्या शो करना है, क्या मार्क करना है, -2, तो ये -2 है, तो इसको इस तरह से कर देंगे, तो ये -2 मार्क हो गया इस नंबर लाइन में। -2 कहाँ पर है, यहाँ पर जीरो के लेफ्ट साइड में। थर्ड में जीरो मार्क करना है, तो देखिए जीरो हमने बना दिया है, राइट साइड में क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो फर्स्ट क्या होती है, इंटीजर प्लस का 1, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, पहली वैल्यू क्या होती है इंटीजर में, -1। अब जीरो को हमें मार्क करना था, तो ये हमने इनसर्कल कर दिया, ये जो डैश क्रॉस किया हुआ है ये जीरो हो गया, जीरो इस तरह से मार्क हो गया। फोर्थ में दिया हुआ है 7, तो 7 कहाँ आएगा, जीरो के राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में केवल -1 बनाएंगे और ज़्यादा जगह हम राइट साइड के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया जीरो के लेफ्ट में, और इतना ही डिस्टेंस लेके हम राइट साइड में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर लाइन हो गई। अब हमें 7 मार्क करना है, तो 7 हम देख पा रहे हैं, 7 ये है, तो इस तरह से यहाँ पे इनसर्कल कर देंगे, ये 7 हो गया, तो 7 को इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट दिया है -13, तो -13 कहाँ होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का पोर्शन हमें बड़ा रखना पड़ेगा स्केल का, नंबर लाइन का। तो -13 कहाँ पे होगा, नंबर लाइन पे, जीरो के लेफ्ट साइड पे होगा,
तो पहले आएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये इक्वल डिस्टेंस ही आपको रखना है, और यहाँ पे माइनस थर्टीन है, तो इस तरह से इंसर्कल कर लिया, तो ये माइनस थर्टीन मार्क हो गया नंबर लाइन पे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमें मालूम है कि जो भी नंबर राइट में होगा, नंबर लाइन में जो भी नंबर दूसरे नंबर के राइट में आता है वही लार्जर कहलाता है, ग्रेटर कहलाता है। तो फर्स्ट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है जीरो और माइनस टू, तो हमें मालूम है जीरो जो है जितने भी निगेटिव नंबर हैं सब उन सभी से ग्रेटर होता है, तो माइनस टू से भी ग्रेटर होगा, तो फर्स्ट का क्या होगा, जीरो। सेकेंड देखते हैं, माइनस थ्री और माइनस फाइव में, तो पॉजिटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है निगेटिव में उसका उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटीजर दिए हैं माइनस थ्री और माइनस फाइव, यह हम नंबर लाइन की बात करें तो माइनस फाइव के राइट में माइनस थ्री आता है, तो लार्जर नंबर क्या हुआ, माइनस थ्री। थर्ड देखते हैं, माइनस फाइव और माइनस फाइव और टू, तो पॉजिटिव नंबर सभी निगेटिव नंबर से लार्जर ही होते हैं, तो माइनस फाइव से लार्जर होगा टू, तो यहाँ पर टू है। फोर्थ की बात करें, माइनस सिक्सटीन और एट, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से लार्जर होते हैं, इसलिए एट सिक्सटीन से, माइनस सिक्सटीन से लार्जर है। माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव और माइनस नाइन हंड्रेड थर्टीन, तो पॉजिटिव में जो नंबर ग्रेटर होता है माइनस साइन के साथ जब आता है तो वो स्मॉलर हो जाता है, तो माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव और माइनस नाइन हंड्रेड थर्टीन में लार्जर कौन सा होगा, लार्जर होगा माइनस थ्री हंड्रेड सिक्स, माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव। अब माइनस एट हंड्रेड एट्टी एट और एट में, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होते हैं निगेटिव नंबर से, इसलिए एट जो है लार्जर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो नंबर लेफ्ट में आएगा वो स्मॉलर होगा, नंबर लाइन में जो भी नंबर लेफ्ट साइड आता है वो स्मॉलर होता है, तो सिक्स और माइनस सेवन में, तो जितने भी निगेटिव नंबर हैं पॉजिटिव नंबर से सभी स्मॉलर होते हैं, तो यहाँ पर माइनस सेवन स्मॉलर होगा। सेकेंड में दिया हुआ है जीरो माइनस वन, जीरो ग्रेटर होता है सभी निगेटिव नंबर से, तो स्मॉलर क्या हुआ, माइनस वन। थर्ड में माइनस थर्टीन, माइनस ट्वेंटी सेवन, तो जो नंबर जितना ग्रेटर होता है पॉजिटिव में माइनस साइन के साथ आता है तो उतना ही स्मॉलर हो जाता है, तो यहां पे माइनस ट्वेंटी सेवन। नेक्स्ट फोर्थ में दिया हुआ है ट्वेंटी सिक्स एंड सेवनटीन, तो सभी निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होते हैं, तो माइनस ट्वेंटी सिक्स सेवनटीन से स्मॉलर ही होगा। माइनस थ्री हंड्रेड सेवनटीन, माइनस सिक्स हंड्रेड थ्री, तो माइनस साइन के साथ जो नंबर आता है, जो नंबर जितना ग्रेटर होता है उतना ही स्मॉलर होता है, कोई नंबर प्लस साइन के साथ जितना ग्रेटर होता है माइनस में उतना ही स्मॉलर हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस सिक्स हंड्रेड थ्री स्मॉलर होगा। अब लास्ट में दिया माइनस सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन एंड सेवन, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होते हैं सभी निगेटिव नंबर से, तो यहाँ पे माइनस सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन क्या होगा, स्मॉलर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, तो यहाँ पे टू इंटीजर्स लिखे हुए हैं और उनके बिटवीन उनके बीच में जो इंटीजर्स हैं वो लिखना है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है जीरो एंड सिक्स के बीच में, तो जीरो एंड सिक्स, सिक्स कहाँ आता है, राइट साइड में आता है, तो राइट साइड में हम मूव करेंगे नंबर लाइन में, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सेकेंड में दिया हुआ है माइनस फाइव एंड जीरो, तो जीरो कहाँ है, राइट साइड में, तो माइनस फाइव से राइट साइड में आना है जीरो तक, तो माइनस फाइव के बाद राइट साइड में क्या आता है, यहाँ पर आएगा माइनस फोर, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, और ये जीरो तो है ही, तो ये फोर नंबर्स जो हैं
-5 और 0 के बीच में होते हैं। थर्ड दिया हुआ -3 एंड 3, तो -3 के राइट में क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और उसके बाद 2। नंबर लाइन को आपको याद रखना है कि कैसे नंबर्स उसमें मार्क किए जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ में दिया हुआ है -7 एंड -5, तो -6 के राइट में -5 आएगा, यानी -5 ग्रेटर है, तो राइट साइड मूव करेंगे तो -7 और -5 के बीच में क्या होगा, सिर्फ एक नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, वो होगा -6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इनमें से जो भी जैसा नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जो भी अप्रोप्रिएट सिंबल है वो फिल करना है। 0 और 7, तो 0 ग्रेटर है या स्मॉलर, तो 0 स्मॉलर देन 7। 0 और -3 में, 0 एंड -3 में, तो 0 क्या है, सभी निगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन -3। -5 और -2 में, जो भी नंबर नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में आता है वो क्या होता है, वो हमेशा स्मॉलर होता है और राइट साइड वाला ग्रेटर, तो -5 और -2 में -5 स्मॉलर होगा, -2 ग्रेटर होगा। -15 और 13 में, जितने भी निगेटिव नंबर है वो सभी स्मॉलर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो -15 इज स्मॉलर देन 13। -231, -132, -132 राइट साइड में आता है नंबर लाइन में, या कहें पॉजिटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है ग्रेटर होता है माइनस साइन के साथ वो स्मॉलर हो जाता है, तो -231 इज स्मॉलर देन -132। -6 और 6, तो निगेटिव साइन के साथ आने पर उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों, हमें मालूम है कि सभी पॉजिटिव नंबर 6, -6 और 6, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल निगेटिव इंटीजर्स, तो सभी निगेटिव इंटीजर्स स्मॉलर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो -6 इज स्मॉलर देन 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को अरेंज करना है, पहले स्मॉलेस्ट आएगा, उसके बाद उससे ग्रेटर, ग्रेटर और लास्ट में ग्रेटेस्ट आएगा। तो आइए फर्स्ट में दिया हुआ है 5, -7, -2, 0, 8, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लिख लेते हैं। अब माइनस, तो 5, -7, -2, 0, 8, तो 0 के लेफ्ट में सारे निगेटिव नंबर होंगे, तो 0 के सबसे लेफ्ट में क्या आता है, 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5, -7, तो सबसे पहले आएगा -7, उससे ग्रेटर क्या होता है -2, इससे ग्रेटर क्या होगा, जब सभी निगेटिव नंबर्स हो चुके हैं तो फिर 0 आएगा, और उसके बाद 5 और 8 में 5 और ग्रेटेस्ट क्या हो गया यहाँ पर 8, ऐसे यहाँ पर निगेटिव नंबर पहले लिखे जाएंगे, तो -23, -6 और -100, तो जो नंबर जितना, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है माइनस में उतना ही छोटा होता है, तो -100, फिर -23, फिर -6, फिर -1, फिर 0 लिखेंगे, और उससे उसके बाद एक ही पॉजिटिव नंबर 12 लिखा है, तो 12 यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर सभी निगेटिव नंबर पहले लिखे जाएंगे, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज़्यादा है पहले वो लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ, तो -500, 1, फिर -363, फिर -17, उसके बाद पॉजिटिव नंबर हैं तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है वो वैल्यू कम वाला नंबर होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है प्लस के साथ तो वो ग्रेटर कहलाएगा, तो 15 और 165 में स्मॉलर है 15 और ग्रेटर कौन सा है 165। अब यहाँ पे सारे निगेटिव नंबर लेफ्ट में लिखेंगे तो पहले वही लिखेंगे -106, फिर -81, -16 और -2, इसके बाद आएगा 0, फिर उसके राइट में सभी पॉजिटिव नंबर, तो
16 और 21 में, तो पहले लिखेंगे 16 फिर 21। इस तरह से हमने सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग या कहें डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें इन्हें लिखना है इंटीजर्स को, तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा जो ग्रेटेस्ट होगा, उसके बाद उससे स्मॉलर और लास्ट में क्या आएगा स्मॉलेस्ट। तो पहले पॉजिटिव नंबर आएंगे, फिर जीरो आएगा और लास्ट में निगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 0, 7, -3, -9, -132 और 36। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे और उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, तो 0, 7 और 36, तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन है 36, ये लिखा जाएगा। उससे स्मॉलर होगा 7 और फिर 0। इसके बाद निगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे, तो 0 के बाद जो नंबर आएगा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग वो -3 होगा, फिर -9 और लास्ट में आएगा -132। क्योंकि कोई भी नंबर जो जितना बड़ा होता है माइनस साइन के साथ उतना छोटा हो जाता है, तो 39132 में ग्रेटर कौन हो जाएगा 3, फिर उससे स्मॉलर 9, फिर ये 132 माइनस साइन के साथ। तो इस तरह से हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। देखते हैं इसका सेकेंड, 51, पहले पॉजिटिव नंबर देख लेते हैं। 51 और 0 दो ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो 51 पहले लिखेंगे फिर 0। अब निगेटिव नंबर में जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे कम होगी वो ग्रेटर होंगे और जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो स्मॉलेस्ट होंगे। तो -2, -8 और -53 इस तरह से लिखे जाएंगे, -8, -53, इसके पहले 2 है तो -2 भी लिखेंगे। तो 0 के बाद -2, -8 और स्मॉलेस्ट क्या होगा -53। थर्ड में पहले पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं, तो सब केवल इसमें 36 ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसे 36 लिख लेते हैं। इसके बाद 0, फिर निगेटिव नंबर स्टार्ट करते हैं, तो पहले -5 आएगा, फिर उससे स्मॉलर -71 है और स्मॉलेस्ट कौन सा कहलाएगा इसमें -81। फोर्थ देखते हैं, तो पॉजिटिव नंबर में यहाँ 102 और 413 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 413 और उससे स्मॉलर होगा 102। अब 0 नहीं है, अब निगेटिव नंबर की बात करें तो -7, उससे स्मॉलर होगा -365 और स्मॉलेस्ट होगा -515। इस तरह से हमने दिए हुए इंटीजर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। तो फर्स्ट में दिया है 4 more than 6, तो याद रखिए जब मोर कहेगा तो आपको राइट में जाना है और जब लेस कहेगा तो आपको लेफ्ट में जाना है। मोर मतलब आपको राइट साइड मूव करना है और लेस मतलब लेफ्ट साइड मूव करना है उतने स्टेप। तो फर्स्ट में दिया है 4 more than 6, 6 से 4 ज़्यादा, 4 more than 6, तो पहले 6 पे पहुँचेंगे हम। फर्स्ट में दिया है 4 more than 6, 6 से 4 ज़्यादा, तो मोर के लिए हमेशा राइट में जाना याद रखना है आपको। मोर देन 6, तो पहले 6 पे पहुँच जाइए, फिर 4 स्टेप राइट लेना है। तो ये 4 के बाद पहला स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 more than 6 क्या होगा 10 होगा, यहाँ लिखेंगे हैंस 4 more than 6 is 10। इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया है 5 more than -6, तो देन के बाद जो नंबर लिखा है पहले उस पर पहुँचते, तो -6 पे पहुँच जाते हैं, फिर मोर कहेगा तो राइट साइड में जाना है, कितना 5, तो ये यहाँ से चलते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कहाँ पहुँच गए -1, तो 5 more than -6 is -1।
अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। थर्ड में लिखा है सिक्स लेस देन टू, तो पहले टू पे जाइए। अब लेस के लिए आप नीचे से इसको लेके आएंगे, जैसे कि बुक में दिया हुआ है। बाकी मेन क्या है, लेस के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना है, मोर के लिए राइट साइड में जाना है। और यहाँ शो करना है लेस के लिए, तो आप नीचे तरफ से लेके आइए इस चीज़ को। तो सिक्स लेस देन टू, टू पे पहुँचे और सिक्स लेस यानी लेफ्ट साइड में सिक्स स्टेप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहुँच गए, तो माइनस फोर होगा। सिक्स लेस देन टू इज माइनस फोर। अब इसमें लास्ट दिया हुआ है फोर्थ में, टू लेस देन माइनस थ्री, माइनस थ्री से टू लेस यानी माइनस थ्री पे जाना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे टू स्टेप जाएंगे। टू लेस देन माइनस थ्री, तो पहले माइनस थ्री पे पहुँचते हैं, फिर टू लेस कहा, लेस मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, मोर मतलब राइट साइड में जाना है, तो ये वन और ये टू, तो कहाँ पहुँच गए, माइनस फाइव पे। तो टू लेस देन माइनस थ्री क्या होगा, माइनस फाइव। हैंस टू लेस देन माइनस थ्री इज कहाँ पर पहुँचे, माइनस फाइव इज माइनस फाइव। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो ट्रू है उनके लिए कैपिटल टी लिखना है और जो फॉल्स है उनके लिए कैपिटल एफ लिखना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर डिफाइन नहीं है तो ये फॉल्स है, तो कैपिटल एफ लिखेंगे। जीरो इज नॉट एन इंटीजर, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, थर्ड में दिया गया है अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, तो ट्रू है एज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। फिर माइनस टेन इज ग्रेटर दैन माइनस सिक्स, ये फॉल्स है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंटीजर, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। जैसे प्लस फाइव है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस फाइव ही होगी। जीरो है तो उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, तो ये फॉल्स है। फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, फाइव है, ग्रेटर तो नहीं हुई तो ये फॉल्स है। जीरो इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है। जीरो सभी निगेटिव नंबर्स के राइट साइड में आता है नंबर लाइन में, इसलिए ये लार्जर है। सेवन दिया है एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन द एवरी नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल ट्रू है। जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं वो सभी नेचुरल नंबर से लेस होते हैं। द सक्सेसर ऑफ माइनस 187 इज माइनस 188, सक्सेसर मतलब प्लस वन ऐड करना, तो माइनस 187 में प्लस वन करेंगे तो माइनस 186 आएगा, जबकि यहाँ माइनस 188 लिखा है, 188, तो ये फॉल्स है। द प्रेडिसेसर ऑफ माइनस 215 इज माइनस 214, ये भी फॉल्स है। प्रेडिसेसर मतलब माइनस वन करना, तो माइनस 215 माइनस वन करेंगे तो माइनस 216 आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस 214 दिया हुआ है, तो ये फॉल्स है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल बना हुआ है, ये जो दो वर्टिकल लाइन खींची हुई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस नाइन क्या होगी, आप इसका साइन हटा दीजिए, जो है वो नाइन। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 36, जो 36 के आगे जो भी साइन लगा उसको हटा दीजिए और लिख दीजिए 36। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15, निगेटिव साइन नहीं वहाँ से हटा देना, जैसे माइनस और ये माइनस थ्री, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री की, थ्री होगी। अब एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये माइनस थ्री बना देगा। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेवन प्लस, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेवन की जगह सेवन और ये माइनस थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, थ्री, तो सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन हो जाएगा। यहाँ सेवन माइनस फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंदर, थ्री, और इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर थ्री आएगा। ऐसे यहाँ पर एट माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन, तो एट माइनस माइनस सेवन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सेवन। अब एट माइनस सेवन को सॉल्व करेंगे तो वन आएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राइट फाइव निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस सेवन, तो माइनस सेवन से ग्रेटर फाइव निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जो नंबर लाइन में उसके राइट साइड आएंगे, तो वो क्या होंगे, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर
माइनस थ्री माइनस टू, फाइव इंटीजर्स ही कहे थे निगेटिव इंटीजर्स, तो ये फाइव निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस सेवन है। और सेकेंड में क्या कहा गया है, सेकेंड में कहा गया है फाइव निगेटिव इंटीजर्स लेस देन माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी से लेस देन या स्मॉलर जो इंटीजर्स होंगे वो कौन से होंगे, तो ऐसे निगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, माइनस ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी टू, माइनस ट्वेंटी थ्री, माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस ट्वेंटी फाइव। नंबर लाइन में जहाँ पर भी माइनस ट्वेंटी आता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं आप लिखते चले जाइए, तो फाइव जो नंबर्स निगेटिव नंबर्स जो लेस देन माइनस ट्वेंटी हैं वो ये होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 4A कंप्लीट होती है। तो इंटीजर में आज जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4B सॉल्व करेंगे।